नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे लगातार चल रहा है। संसद के बजट सत्र में, संसद के गलियारों में भी किसानों के मुद्दे गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसमें, और साथ ही अब बजट पर जो बहस हो रही है उसमें भी किसानों के मुद्दे अहम हैं। सरकार की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इन सब के बीच में किसान अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे और साथ ही देश में अन्य जगहों पे भी, और आंदोलन में अब और तेज़ी लाई जाएगी, एक कहा है किसान संगठनों ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 22 फरवरी को सिरसा में एक महापंचायत की जाएगी और उसमें किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ पे सलाह की जाएगी कि आगे इस आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या करना है, और इसके लिए सभी किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है सिरसा। वहीं पे किसान अपने आंदोलन में लगातार तेज़ी लाने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 12 तारीख को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा को किसान टोल मुक्त कर देंगे, ये घोषणा की है संयुक्त किसान मोर्चा ने। वहीं पे 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को किसान याद करेंगे। 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी, जो कि आज़ादी से पूर्व के पंजाब के एक बड़े किसान नेता थे। और वहीं पे 18 फरवरी को रेल रोको देश भर में करने जा रहे हैं किसान, 12 बजे से 4 बजे के बीच में। बाईस फरवरी 2021 को सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम में एक बड़ी महान किसान पंचायत होने जा रही है। उस किसान पंचायत को कल ही हमने फाइनल किया है और सिरसा के लोग जो हैं वो इस किसान पंचायत को कामयाब करने के लिए पूरी अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं और हम इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथी वहां पहुंचेंगे और किसानों के साथ इस आंदोलन के बारे में, आंदोलन के मुद्दों के बारे में और आंदोलन को कामयाब करने के लिए जो भी हमारे विचार होंगे रखेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आओ, बड़ी संख्या में आओ, ताकि इस किसान आंदोलन को अपनी जीत तक, अपनी कामयाब तक ही हम पहुंचा सके। धन्यवाद। जहां पे सरकार के साथ वार्ता अभी रुकी हुई है, सरकार ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। किसान संगठनों का भी कहना है कि वे बात करने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। और विरोध प्रदर्शन लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, किसान वहां पे धरना डाल के बैठे हुए हैं। इसके साथ ही देश में अन्य जगहों पे भी किसान लगातार धरने पे बैठ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बहुत सी पंचायतें हुई अलग अलग जगहों में, अलग अलग गाँव में महापंचायतें हुई। दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में किसान लगातार कूच कर रहे हैं और इन सब के साथ अब जब सिरसा में एक महापंचायत होगी, उसमें आगे इस आंदोलन में क्या होगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में वहाँ पे तय होगा। इसके पहले सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, इस पर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार एक कानून नहीं बनाती है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।